हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक एट होम विद निधि मेहता में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का स्टफ्ड पराठा। ये हम हरे मूंग की दाल से बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मूंग की दाल का स्टफ्ड पराठा बनाने के लिए मैंने ये हरी मूंग की दाल ली है। इसको मैंने ये मैंने एक कटोरी दाल ली है और इसको मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो के इसको 6 से 7 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये मैंने ओवरनाइट भिगोई हुई है दाल। और ये मैंने लिया है 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च 2 ली हैं बारीक काट के, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें कम या ज़्यादा। ये मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक, ऑयल, धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और ये 1/2 चम्मच जो है ये अमचूर पाउडर है। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ये दाल डाल देंगे। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए पूरे नाप के हिसाब से, अगर 1 कटोरी दाल ली थी तो मैं इसमें 1/2 कटोरी पानी डालूंगी और इसमें बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल रहे हैं। इसको बंद करके और 3 विसल हमें इसको दिलानी है तेज आंच पे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर को खुलने देंगे। परांठे का आटा लगा लेते हैं। परांठे का आटा लगाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है, थोड़ा सा नमक और ऑयल और ये थोड़ी सी अजवाइन ली है 1/4 चम्मच और ये पानी लिया है आटा गूंदने के लिए। सबसे पहले हम आटे में थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। ये ऑयल 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ये अजवाइन को इस तरह से हाथ से क्रश करके इसमें डालेंगे। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। ये परांठा जो है खाने में बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसमें हमारे जो मूंग दाल है, स्पेशली जो ग्रीन मूंग दाल है, होल मूंग दाल, इसमें बहुत ही प्रोटीन्स होते हैं। ये देखिए मैंने इसका ये सॉफ्ट डो बना लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे, ढक के रखना है इसको। ये देखिए प्रेशर खुलने के बाद ये दाल देखिए हमारी गल गई है। बस इससे ज़्यादा सॉफ्ट इसको नहीं करना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अगर इससे ज़्यादा जब करेंगे तो ये बिल्कुल मैश सी हो जाएगी। हमें थोड़ा थोड़ा दाना चाहिए इसमें। अब हम इसका जो है वो मसाला रेडी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसको गर्म होने रख दिया है। गैस को मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ हींग और जीरा और जीरे को हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन हम इसको नहीं करेंगे। ये देखिए जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अदरक और हरी मिर्च और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये भून गया है, बहुत ज्यादा हमें किसी भी चीज को नहीं भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज और प्याज को भी बस 2 से 3 मिनट भूनना है, इतना कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये थोड़ा सा नमक। नमक जो है वो देख के डालना है क्योंकि हमने दाल में भी बॉईल करते टाइम थोड़ा सा नमक डाला था। और इसको फिर 1 मिनट चला लेंगे। बस फिर इसमें हम अपने बाकी मसाले डाल देंगे। ये मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है, ये मिर्च और गरम मसाला, अमचूर पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये दाल।
ये दाल सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं और बस 1 से 2 मिनट हमें इसको और भूनना है। ये दाल हमारी अच्छी तरह से देखो मिक्स हो गई है, इसमें सारे मसाले मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे इस मटेरियल को। ये आटा हमारा सेट हो गया है और हमें इसको 2 से 3 बार फिर अच्छी तरह से गोई देनी है। आटा रेडी है परांठे के लिए। ये स्टफिंग का मूंग दाल का मटेरियल भी ठंडा हो गया है, अब हम परांठा बनाना स्टार्ट करें। परांठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तवा गरम होना रख दिया है इधर और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जिस साइज का परांठा आपको बनाना है, और इसको थोड़ा सा आटे में रोल करेंगे इस तरह से और हल्का इसको बेलेंगे। अब हम इसमें ये स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए मैंने इसमें 3 चम्मच स्टफिंग भरी है और इसको धीरे धीरे इस तरह से रोल करेंगे। और इस तरह से ऊपर लाके इसको बंद कर देंगे। अब हल्के हाथों से दबाएंगे और इसको फिर एक बार इसमें रोल करेंगे सूखे आटे में और इसको इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये तवा हमारा गरम हो गया है, अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। इसको तवे पे डाल के और हमें अच्छी तरह से सेकना है इसको दोनों तरफ से। पहले 2 से 3 मिनट नीचे वाली साइड सेकेंगे फिर इसको पलटेंगे, अभी एकदम से नहीं पलटेंगे। जब तक ये परांठा सिक रहा है तब तक हम अपना दूसरा परांठा भी बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने दूसरे परांठे के लिए भी पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको इसी तरह से वैसे ही सेम रोल करूंगी और इसको इस तरह से हल्का हल्का बेल के और इसमें स्टफिंग भरूंगी। इधर ये परांठा चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे वाली साइड से ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, अब हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से हल्का ब्राउन करना है। ये देखिए स्टफिंग भर के मैंने इसको इस तरह से फिर से बंद कर दिया है और अब मैं इसको रोल करके सूखे आटे में और फिर इसको बेल लेंगे। ये हमारी दूसरी साइड भी हल्की सिक गई है, अब हम लगाएंगे इस पे थोड़ा सा घी। घी या ऑयल आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं और इसको फिर इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से हल्का हल्का दबा के इसको सेकना है। अब इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा घी लगा के और इसको पलट लेंगे। ये देखिए इधर से कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है परांठे की, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी परांठा बनता है। ये नीचे से भी सिक गया है अच्छी तरह से। ये परांठा हमारा रेडी है। इसी तरह से हम अपने बाकी परांठे भी तैयार कर लेंगे। इस पे मैं थोड़ा सा ऊपर से और घी लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो आप लगाएं नहीं तो मत लगाइए। देखिए इस तरह से ही हम अपना दूसरा परांठा भी सेक लेंगे। ये हमारा मूंग दाल का परांठा बनके रेडी है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी अच्छी स्टफिंग आई है, और इसको आप दही के साथ खाइए, बटर के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जल्द ही एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।